उत्तराखंड के साथ साथ मध्य प्रदेश, पंजाब और उत्तर प्रदेश भी मूसलाधार बारिश की मार झेल रहा है। मध्य प्रदेश के खरगोन में नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से पानी पुल पर बहने लगा है, जिसकी वजह से कई गांवों का जिले के दूसरे हिस्सों से संपर्क टूट गया है। तो वहीं हल्द्वानी में झमाझम बारिश के बाद पानी लोगों के घरों में बसेरा कर चुका है। बेडरूम से लेकर किचन तक हर जगह पानी आ जाने की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में तो नदी के तेज बहाव में डंपर और एक पिकअप वैन फंस गई। वहीं पंजाब के खरड़ में भारी बारिश की वजह से आपको बता दें कि कॉलोनियों में पानी भर गया। इतना ही नहीं, दरिया बन चुकी सड़क का पानी अब लोगों के घरों में घुसने लगा है, जिससे लोग काफी परेशान हैं। तो मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में लगातार हो रही बारिश की वजह से अलकनंदा नदी उफान पर आ गई है। बढ़ते जलस्तर की वजह से नदी खतरे के निशान के बेहद करीब पहुंच गई है और नदी का बहाव भी पहले से कहीं ज्यादा तेज हो चुका है। प्रशासन ने एहतियातन अलर्ट तो पहले ही जारी कर दिया है, साथ ही नदी किनारे रहने वाले लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील भी की गई है। उत्तराखंड के जोशीमठ में लगातार पानी बरसने की वजह से काफी बड़ी संख्या में यात्री बीच रास्ते में फंस गए। वहां दो दिन से बिना रुके बारिश हो रही है, जिस वजह से एक नाला उफान पर आ गया और बद्रीनाथ धाम से लौट रहे मुसाफिर घंटों तक वहीं फंसे रहे। ऐसे में बीआरओ के कर्मचारी वहां पहुंचे और उन लोगों को सुरक्षित वहां से निकालने का काम शुरू किया, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। नाले का पानी लगातार बढ़ रहा था, नाले में पानी के बहाव में तेजी देखी गई और ऐसी स्थिति में यात्रियों को वहां से निकालना उनके लिए बड़ी चुनौती बन गया। इन सभी दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए थोड़ी देर तक पानी के कम होने का इंतजार किया गया। तब तक पुलिस प्रशासन ने लोगों को बद्रीनाथ में ही रोक कर रखा और जब नाले में पानी का स्तर गिरा, उसके बाद बीआरओ के कर्मचारियों की निगरानी में एक एक कर वहां से गाड़ियों को निकाला गया। लेकिन संघर्ष बराबर बना रहा, कई लोगों की जान पर बनाई थी। ऐसे में पूरी सावधानी से नाली से लोगों की गाड़ियों को धक्का देकर बाहर निकाला गया। कुछ इसी तरह के हालात जोशीमठ में फूलों की घाटी पर भी बन गए, जहां दो दिन से लगातार बारिश होने की वजह से लैंडस्लाइड हो गया। पहाड़ खिसकने की घटना के बाद पैदल आने जाने का रास्ता भी टूट गया। चारों तरफ पहाड़ का मलबा सड़क पर बिखरा मिला। मिट्टी के साथ छोटे बड़े पत्थरों ने रास्ते में बाधा डालने का काम किया। कहीं कहीं से सड़क भी टूट गई। इन हालात में प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए अहम फैसला लिया और बताया जा रहा है कि सैलानियों के लिए फूलों की घाटी को फिलहाल बंद कर दिया गया है और यही वजह है कि बीते दो दिन से वहां सैलानी नहीं पहुंच रहे। देश के कई राज्यों में लोगों पर आसमानी आफत का पहाड़ टूट रहा है। पानी के प्रहार से लोग बेहाल हैं और पानी कहर बनकर लोगों का जीवन अस्त व्यस्त करने पर तुला हुआ है। राजस्थान से लेकर उत्तराखंड तक हालात एक जैसे हैं। राजस्थान के टोंक में सौद्रा नदी उफान पर है, जिसके तेज बहाव में एक डंपर किसी खिलौने की तरह बह गया। तो वही उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी अपना रौद्र रूप दिखा रही है। मूसलाधार बारिश की वजह से नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जो लोगों के लिए डर की वजह बना हुआ है। तो वही हल्द्वानी के कई हिस्सों में तो सड़कें पानी से लबालब है, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा है मानो यहां पर सड़क कभी थी ही नहीं। उत्तराखंड के अलग अलग शहरों में आसमान से बरसे पानी ने लोगों को बेहाल कर दिया है। कहीं रास्ते बंद हो गए हैं तो कहीं नदी नाले उफान पर आ गए और कहीं लोगों के घरों में पानी घुस गया, जिसने उनकी नींद उड़ा कर रख दी। परेशान तो लोगों को चमोली में बद्रीनाथ हाईवे पर भी होना पड़ा, जहां बारिश रुकने के बाद पहाड़ से एक पेड़ टूटकर मलबे के साथ सड़क पर आ गिरा। पेड़ के बीच रास्ते में गिरते ही वो रास्ता बंद हो गया और घंटों के लिए लोग वहां फंसे रहे। बाद में मशीनों के जरिए रास्ते से मलबे और पेड़ को हटाया गया, जिसके बाद यात्री वहां से निकल सके। हल्द्वानी में तो बारिश ने ऐसा कहर बरपाया कि सड़कें नदी में तब्दील दिखी। लोगों के घरों के बाहर सड़क दिखनी बंद हो गई और उन तस्वीरों को देखकर ऐसा लगा मानो वो मकान पानी के बीचों बीच बनाए गए हैं। इतना जबरदस्त पानी सड़कों पर भरा तो लोगों के घर भी इससे बच नहीं पाए, कई मकानों में पानी भर गया, जिसे लोगों के माथे की शिकन बनने में देर नहीं लगी। कुछ इसी तरह की तस्वीरें कोटद्वार से भी सामने आई, जहां भारी बारिश के बाद नाले का पानी लोगों के घरों में घुस गया। हालात इस कदर बिगड़ गए कि वो सड़कों पर आ गए, लेकिन उनके लिए ना घर में सुकून रह गया और ना बाहर, क्योंकि घर के बाहर की स्थिति को देखकर तो ऐसा लगा मानो नदी बह रही हो। लोग दहशत में हैं, घरों से बाहर आ गए हैं और पानी को कम होने का इंतजार कर रहे हैं। जबकि पहाड़ों पर भारी बारिश होने की वजह से हरिद्वार और ऋषिकेश में गंगा नदी में पानी खतरे के निशान के पास पहुंच गया। वहीं रुद्रप्रयाग में भी अलकनंदा नदी उफान पर आ गई, जिस वजह से प्रशासन अलर्ट है। मध्य प्रदेश के खरगोन में लगातार हो रही बारिश से बुरा हाल है। उडल नदी उफान पर है, जलस्तर के बढ़ने से यातायात प्रभावित हुई है। इस दौरान गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गई हैं।
तो तस्वीरें मध्य प्रदेश के खरगोन से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बारिश की वजह से कोहरा मचा हुआ है। लगातार कई दिनों से वहां पर बारिश हो रही है और इसकी वजह से पानी किस तरह से तेज बहाव आप पानी का देख सकते हैं, जिसकी वजह से आप ये समझ सकते हैं कि वहां के लोगों को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा होगा। मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से लगभग इस तरह की तस्वीरें ही सामने आ रही है, क्योंकि लगातार वहां कई दिनों से बारिश हो रही है और इसकी वजह से न सिर्फ यातायात ठप है, बल्कि लोगों को अपने जरूरी काम करने में भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।